सवाल दिया हुआ है भाई साहब, सवाल करना है ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 200 मिलीलीटर ऑफ अ 1 मोलर हाइपो सोल्यूशन। इट इज बेसिकली नोन एज हाइपो सोल्यूशन ठीक है, Na2S2O3। तो आपने पिछली बार क्या सीखा था भाई साहब, इक्वलेंस ऑफ दिस विल बी इक्वलेंट टू इक्वलेंस ऑफ दिस ठीक है। तो पहले तो हमको देखना है कि भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना हो रहा है। अपन पहले लेते हैं Na2S2O3, ये किस में चेंज हो रहा है बच्चा बाड़ी, Na2S4O6 ठीक है। यहां पे भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, Na2 का भाई साहब हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा -2। अगर इसको अपन ने x मान लिया तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 × 1 + 2 × x + 3 × -2 = 0। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे देखो ये हो गया 2, दिस विल बी 2 + 2x - 6 = 0। सो दैट मीन्स इट विल बी 2x - 4 = 0। So that means it will be 2x = 4। So therefore x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी, +2 ठीक है। x की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई बच्चा पार्टी, +2 ठीक है। इस पे आते हैं देखो, समझ लो इसको मान लिया x, अगेन इसका क्या होगा +1 और इसका -2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 4 × x, तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका 2 × 1 + 4 × x + 6 × -2 = 0। सो दैट विल बी 2 + 4x - 12 = 0। 4x - 10 = 0। तो 4x = 10, x की वैल्यू हो गई 10/4, 5/2, तो दैट विल बी 2.5। ये हो गया आपका 2 और यहां पे आपका 2.5 ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। सो अभी यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट यहां पे 2.5 से 2 का भाई साहब चेंज हुआ है। तो n फैक्टर ऑफ s कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना बोलो, n फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए आपके, 2, दो एटम्स है ना, तो 2 × आपका भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ये मॉड में है ना भाई साहब, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ये होगा आपका मॉड में। सो दिस विल बी 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, दैट विल बी 2.5 - 2, सो दैट विल बी 2 × 0.5, दैट विल बी 1, एन फैक्टर ठीक है। तो अपन एन फैक्टर इसका भाई साहब कितना बोल सकते हैं, 1 हो गया ये ठीक है। तो अभी बताइए यहां पे मेरे को इसका इक्वलेंस, अभी चलिए इसका आ गया ठीक है, इक्वलेंस कितना हो जाएगा, इक्वलेंस ऑफ हाइपो, इक्वलेंस ऑफ हाइपो मतलब हो जाएगा आपका ये हाइपो है मतलब ये ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहां पे, n × n फैक्टर, मतलब इसका जितना नंबर ऑफ मोल्स है इंटू एन फैक्टर, ये पढ़ा था आपने पिछली बार ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स यहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स आप 2 ले सकते हैं, लेकिन अगर लेट से ये बैलेंसिंग आपको नहीं मालूम है ठीक है, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलैरिटी, ये बैलेंसिंग आपको नहीं दी हुई है, यहां पे आप 2 निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ओके चलिए यहां पे थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं आप होमवर्क किया कीजिएगा ताकि चीजें थोड़ा तरोताजा रहेंगी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है कि नहीं ठीक है। अगर भाई साहब ये मिलीलीटर में है तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये मोल्स हो गया आपका ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को और क्या लिख सकते हैं अपन बोलो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ठीक है। तो यहां पे अगर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 कर दिया तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ठीक है, अगर वॉल्यूम आपका क्या है मिलीलीटर्स में है। अभी ध्यान से देखो यहां पे हाइपो का आपको क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है 1 m, मतलब क्या होता है मोलैरिटी है 1 ठीक है, मोलैरिटी है 1, तो यहां पे मोलैरिटी हो गई भाई साहब 1। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 मिलीलीटर्स ठीक है, तो 1 × 200 मिलीलीटर्स, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ठीक है, यहां पे अपन बोल सकते हैं नंबर
ऑफ मोल्स ऑफ हाइपो, ये कितना हो जाएगा बोलो? हाइपो एन विल बी इक्वल टू मोलैरिटी वन, वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इज हाउ मच? 200, और ये होगा अपॉन 1000, ये हो गया अपॉन 1000, कैंसिल 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 कैंसिल, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 0.2, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो 0.2, और भाई साहब एन फैक्टर, तो एन इंटू एन फैक्टर फॉर हाइपो, एन इंटू एन फैक्टर फॉर हाइपो विल बी इक्वल टू एन डैश इंटू एन फैक्टर फॉर आईडीन। अभी हम आईडीन पे आते हैं, ठीक है? आईडीन ये हो गया भाई साहब आपका जीरो, ये क्या बना रहा है? टू एन ए आई, चलिए इसको टू को रहने देते हैं, एन ए आई बना रहा है भाई साहब। यहाँ पे कितना है भाई साहब? प्लस वन, यहाँ पे कितना है? माइनस वन, ठीक है? तो अगर हम देखें यहाँ पे जीरो से कितना जा रहा है? माइनस वन, ठीक है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन डैश एफ अगर हम लेते हैं तो इसका हो गया भाई साहब आपका एन फैक्टर कितना? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? टू अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, तो ये माइनस वन माइनस जीरो, सो दैट विल बी टू इंटू माइनस वन मॉड में, तो टू इंटू वन दैट विल बी टू, तो एन फैक्टर डैश ये कितना हो गया? टू, है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो यहां पे आपका हाइपो का है, ठीक है, दिस इज फॉर आयोडीन, दिस इज फॉर आयोडीन, तो एन इंटू एन फैक्टर, एन आपका यहां पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, तो आपका यहां पे एन कितना निकला है? 0.2, तो ये निकला है भाई साहब 0.2, और एन फैक्टर इसका कितना आया है? वन, ना भाई साहब इसका एन फैक्टर आया है वन। अभी हम आते हैं आयोडीन पे, हमको नंबर ऑफ मोल्स आयोडीन का ही निकालना है, तो ये आपका एन डैश है, एन एफ डैश आयोडीन का कितना आया है भाई साहब? इंटू टू, ठीक है, तो एन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 0.2 अपॉन टू, दैट विल बी 0.1, 0.2 अपॉन टू, तो एन डैश की वैल्यू हो गई 0.1, तो आयोडीन की भाई साहब वैल्यू कितनी हो जाएगी? आयोडीन विल बी इक्वल टू 0.1 मोल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम आयोडीन की 0.1 मोल्स हो जाएगी, क्लियर है? ओके, तो देखो यहां पे Na2S2O3 है, इसका प्लस 2 है, यहां पे प्लस 2.5 है, ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस चेंजेस फ्रॉम प्लस टू टू प्लस 2.5, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? दो एटम्स हैं, 2 × 0.5 दैट इज 1, ठीक है। आई ऑक्सीडेशन चेंज क्या हो रहा है भाई साहब? इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका? जीरो, इसका चेंज हो रहा है माइनस वन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 × −1, तो ये हो गया आपका मॉड में माइनस वन, तो टू हो गया ये, ठीक है। इक्वलेंस ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ आई टू, ठीक है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 1 × 200 × 1 इज इक्वल टू n × 2, तो ये आपका मिली मोल्स में आया, मैंने वहां पे मोल्स में कैलकुलेट किया तो आपका 0.2 था, तो वही आंसर आ जाएगा, देखो 0.1 मोल्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको कौन निपटाएगा? इसको तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा भाई साहब? या चलो वैसे वैसे करना है फटाफट फटाफट से, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तुमने में से कौन बोला है? सृष्टि कुमारी और श्रुति।
डन डन डन। अ सॉल्यूशन ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 FeSO4 वाज टाइटरेटेड अगेंस्ट द KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, द अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज्ड विल बी, कितना अमाउंट KMnO4 यूज होगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या है, ये आपका FeSO4 है और भाई साहब आपका है KMnO4। और ध्यान दीजिए ये KMnO4 क्या है, आपका क्या है, एसिडिक मीडियम है। और अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब पोटेशियम पर मैग्नेट का एसिडिक मीडियम क्या होता है, BAN153 अगर हम निमोनिक मान के चले तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना है, 5। ठीक है, तो आपका यहां पे एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना हो गया, 5। अभी आपको इसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट नोन टू यू, लेकिन एसिडिक मीडियम में तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई साहब, ऑब्वियसली 1 है ये। ठीक है, तो 1 × 5 तो दैट विल बी बेसिकली 5। ठीक है, ये हो गया आपका एन फैक्टर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, ये आपका OS चेंज है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 × 5 इन एसिडिक मीडियम। अ सॉल्यूशन ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ 0. वाज टाइटरेटेड अगेंस्ट दिस, द अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज विल बी, कितना होगा। ठीक है, कितना आपका KMnO4 यूज होगा, 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 MFeSO4। ठीक है, 10 मिलीलीटर 0.1 MFeSO4 का यूज हो रहा है। तो अभी आपको भाई साहब यहां पे ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, आपका फेरस सल्फेट है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, Fe2+ लिख सकते हैं। ये ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बनेगा, दिस विल चेंज इनटू फेरिक, है ना भाई साहब, जो भी बने ये फेरिक ही बनेगा, फेरस से फेरिक ही बनेगा। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका तो रिडक्शन होगा ना भाई साहब, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका क्या, इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब Fe2 से Fe3+ बन रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा बन रहा है तो आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बोलो, एन फैक्टर विल बी वन एटम इंटू आपका भाई साहब यहां पे 3 − 2, ये हो गया आपका 3 − 2, तो आपका हो गया 1 × 1, तो ये हो गया आपका 1, एन फैक्टर भाई साहब कितना हो गया, 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका एन फैक्टर हो गया भाई साहब 1, लेट से हमने इसको एन डैश लिख दिया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस ऑफ Fe2+ भी लिख सकते हैं या FeSO4 भी लिख सकते हैं, और FeSO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, है कि नहीं, इक्विवेलेंस ऑफ Fe2+ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन डैश इंटू एन डैश एफ ऑफ दिस, ठीक है, is equal to आपका भाई साहब यहां पे KMnO4 का आपसे पूछा ही है, the amount of KMnO4, तो हमने भाई साहब n डाल दिया यहां पे, ठीक है, n और यहां पे क्या डाल दिया भाई साहब, n और यहां पे क्या हो गया आपका 5, समझ में आ रहा भाई साहब, n × 5, क्लियर है, ओके, तो n डैश की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा कि भाई साहब n की वैल्यू क्या होती है, तो n की वैल्यू होती है, अगर हमने देखो मोलारिटी लिया, क्योंकि यहां पे मोलारिटी दिया हुआ है, देखो मोलारिटी होता है n/V, तो n की वैल्यू क्या होती है, मोलारिटी इंटू वी, अगर मिलीलीटर में है तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो n डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 इंटू nf का डैश, ठीक है, nf डैश मतलब कितना हो जाएगा यहां पे, व्हाट विल बी nf डैश, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 इंटू एन एफ का डैश, एन एफ का डैश मतलब कितना हो जाएगा, बोलो इसका कितना है, 5, 1 आया ना भाई साहब, एन एफ डैश इज हाउ मच, 1, ठीक है, इज इक्वल टू n × 5, ठीक है, अभी कर लीजिए भाई साहब यहां पे, मोलारिटी की वैल्यू क्या हो गई, मोलारिटी की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज 10 मिलीलीटर अपॉन 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू n × 5, कैंसिल, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, n का वैल्यू 0.1 अपॉन 100 × 5, तो ये हो गया आपका 500, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.001 अपॉन 5, सो दैट विल बी 0.0002, है कि नहीं भाई साहब, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यहां पे लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना है आपको, यहां पे ये देखना है, तो आपको देखना है भाई साहब किसका इतना नंबर ऑफ मोल्स होगा,
नंबर ऑफ मोल्स हो गया, अगर मैं बोलूं मिलीमोल्स, मिलीमोल्स कितना हो जाएगा, 0.0002 इंटू 10, 1000 कर दो भाई साहब, तो 0.2 मिलीमोल्स, समझ में आ रहा है, 0.2 मिलीमोल्स। अभी इसमें देख लीजिए किसका 0.2 मिलीमोल्स होगा, यहां पे 5 इंटू 0.1 ये कितना आ रहा है आपका मिलीमोल्स, 0.5 मिलीमोल्स आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 10 इंटू 0.1 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 मिलीमोल, ये भी नहीं होगा। 10 इंटू 0.5 ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, 5 मिलीमोल्स, ये भी भाई साहब नहीं होगा, ये आया आपका भाई साहब 0.5 मिलीमोल्स। तो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। इसको करके देख लो भाई साहब, 10 मिलीलीटर इंटू 0.02 मोलारिटी है, तो आपका भाई साहब कितना आ गया, 0.2 मिलीमोल्स, दिस वुड बी द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, मोल्स का आपने मिलीमोल्स किया और इसमें से आपने निकाल लिया भाई साहब किसका मिलीमोल्स है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, ये वही है ना भाई साहब? क्यों, ये क्यों आ गया भाई साहब फिर से? ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया, दिस विल बी 0.2, दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने भाई साहब FeSO4 लिया हुआ, H2SO4 डाला, इनिशियल लेवल, ये हो गया आपका एंड पॉइंट। देखो यहाँ पे आप इसको लेवल डाले 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1, इस तरह से आपका एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा ड्रॉप आफ्टर एंड पॉइंट। ठीक है ओके, तो इसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन, ये आपके केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स में है, बोर्ड्स में टाइट्रेशन बोलते हैं हम, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिकल्स में रहेगा। ठीक है, स्कूल में अगर आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे तो ये होगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, एक होता है आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एक होता है आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन। आई स्मिथ, ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द एनालाइट विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द टाइट्रेट। सिंपल है भाई साहब, जो एनालिसिस इसकी करनी है और जो टाइट्रेंट आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड पॉइंट रेफर्स टू द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो एंड पॉइंट भाई साहब जहां पे कलर चेंज हो जाता है इंडिकेटर का। ठीक है, यहां पे आप एंड पॉइंट है, बेसिकली आपने इंडिकेटर ऐड किया है, तो एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा ड्रॉप आफ्टर एंड पॉइंट। ठीक है, इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस विच चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द पीएच। मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम पीएच 0 टू 3.2 इट विल शो रेडिश ऑरेंज कलर, इसका भाई साहब रेडिश ऑरेंज कलर दिखाएगा। तो ये 0 टू 3.2 आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 टू 3.2 इज एसिडिक। ठीक है, इसमें आपका रेडिश ऑरेंज कलर दिखाएगा ये। ठीक है, विल शो फ्रॉम 3.2 टू 4.24 इट विल शो ऑरेंज कलर एंड बियॉन्ड दैट येलो कलर। तो 4.2 मतलब इसके बीच में भाई साहब, इसके बाद आपका ये दिखाएगा येलो कलर, मतलब बेसिक कलर दिखाएगा। ठीक है ओके, सो मिथाइल ऑरेंज इन पीएच रेंज ऑफ 0 टू 3.2, तो आपका मिथाइल ऑरेंज का भाई साहब इस तरह से कलर दिखाएगा, ये आपका हाईली एसिडिक है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इन पीएच रेंज ऑफ 3.2 टू 4.4, मतलब एसिडिक है अभी भी। मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम 4.2 टू 14, तो आपका बेसिक हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, कलर चेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोलेफ्थलीन एक और होता है भाई साहब। ठीक है, बिलो पीएच 8.2 इट इज कलरलेस, 8.2, तो 0 से लेकर 8.2 एंड 13 से लेकर 14 तक भाई साहब इसका कलरलेस होगा। ठीक है, तो मतलब एसिडिक में ये पूरा कलरलेस होगा। ठीक है, फिनोलेफ्थलीन इन पीएच रेंज 8.2 टू 13, तो मतलब आपका बेसिक, बेसिक में आपका इतना हो जाएगा, और आपका अगेन हाईली बेसिक में भी ये वाइट हो जाएगा। तो एसिडिक में भी वाइट रहेगा और हाईली बेसिक में भी ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, सो बिलो इट इज कलरलेस एंड पिंक इज कलर, बियॉन्ड इट इज कलरलेस, तो ये कलर चेंजेस हैं। ठीक है, रेडॉक्स कैन चेंज एनी एंटीक कार इनटू जंक। ठीक है, किसी भी एंटीक कार में भाई साहब रेडॉक्स में आपका जंग लगना ही है। आप देखोगे पुराने बुलेट्स होंगे अगर, या पुराने आपके जो गाड़ियां होंगी उसमें जो जंग पकड़ता है ये रेडॉक्स रिएक्शन से। हियर रस्टिंग हैपेंस, रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, द रिएक्शन इन्वॉल्व इज, ये भाई साहब आपका हो रहा है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, टू प्रिवेंट रस्टिंग पेंट द कार, आपको भाई साहब पेंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेंटिंग करेगा क्या, वॉट एक्चुअली हैपेंस इज, ये जो आपका लेयर है उसके ऊपर पेंट आ गया, तो अभी ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर रहा है। ऑक्सीजन का सप्लाई जरूरी है क्योंकि आपका भाई साहब आयरन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तभी जाकर वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाएगा, विच इज नथिंग बट रस्ट। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई अगर आप काट दें तो ये नहीं होगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई अपन काटते हैं पेंटिंग से। तो पेंटिंग बेसिकली, जब तक आपका पेंटिंग, आप देखेंगे अक्सर ऐसे जगहों पे जहां पे पेंट निकल गया है वहां पे रस्ट होगा। ठीक है, लोहे के, लोहे लक्कड़ की चीजों में अगर आप देखोगे ऐसी जगह जहां पे पेंट निकल गया वहां पे पर्टिकुलरली रस्ट हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में
आयरन को ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके सो तो अपन ने देखा भाई साहब अभी तक सिग्निफिकेंस ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, क्या क्या अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ एन फैक्टर, रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़े हुए, एंड व्हेन क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग नॉर्मैलिटी, ठीक है, क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग इक्विवेलेंट वेट, क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग वॉल्यूम्स इन टाइट्रेशन, क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, व्हाट विल यू लर्न? अभी हम बात करेंगे भाई साहब रिडॉक्स टाइट्रेशन की, टाइट्रेशन हो रहा है भाई साहब, उनके वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, टाइट्रेशन यूजिंग पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट में सिंपल फिनोमिना याद रखिएगा बैन 153, पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमेशा याद रखिए K2Cr2O7 विल ऑलवेज गेट कन्वर्टेड इनटू Cr2O3-, ठीक है, तो ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्लियर है? एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इसका एक ही होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट, द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज दैट The equivalence point is the point at which chemical reaction comes to an end. Chemical reaction यहाँ पे end हो गया है. While the end point is the point at which the color changes occurs in a system. Color changes मतलब आपने जो भी indicator उसमें add किया है, उसका color change होगा. ठीक है? तो इसको लिख लीजिए difference between equivalence point and end point. Theoretical है भाई साहब. Done, done, done. Okay. Practically, we determine the end point which is close to the equivalence point. Generally, close होता है ये, ठीक है? Okay. Titration using acidified potassium permanganate. BAN 153 के हिसाब से acidified potassium permanganate का भाई साहब change in oxidation state कितना हो जाएगा? BAN A की value 5 होती है, ठीक है? So, acidified potassium permanganate is a versatile and strong oxidizing agent used in the estimation of many reducing agents. Such as Fe2+ ions, oxalate ions, etc. In these titrations, no indicator is used because MnO4- is itself deeply colored, purple colored, ठीक है? And acts as a self indicator. तो ये self indicator होता है भाई साहब. Potassium permanganate का खुद का ही color होता है, ठीक है? वो आपका purple color होता है. जब भी आप potassium permanganate को भाई साहब water में dissolve करेंगे, it will give you a purple color. तो वो decolorize होगा, तो हो गया reaction, ठीक है? When it is titrated against the reducing agent. Its color disappears. So, ये purple color जो है तो disappear हो जाता है, ठीक है? As soon as the reducing agent has been used up, the additional single drop of potassium permanganate gives a tinge of pink color to the solution. तो पूरा decolorize हो गया है और एक drop अगर आपने add कर दिया उस time पे, तो पूरा फिर से pink हो जाएगा,
ठीक है, पूरा डीकलराइज हो गया है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरा पूरा यूज हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर अपियर्स एट MnO4 कॉन्सेंट्रेशन एज लो एज 10^-6 मोल्स पर लीटर। एक लीटर में अगर इतना सा भी, मतलब 10^-6 मोल्स हो तो भी पिंक कलर आ जाएगा, मतलब एक चुटकी भर, मतलब चुटकी भर भी नहीं बोल सकते हम, 10^-6 आप सोचिए। ठीक है, इतना अगर एक लीटर में थोड़ा सा भी आ गया तो पूरा आपके घर, आपके बिल्डिंग में जो टंकी होगा ना भाई साहब, उस टंकी में अगर आपने भाई साहब एक टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया, पूरा कलर भाई साहब पिंक आ जाएगा, इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा ये घुल जाता है। ठीक है, दिस एंश्योर्स अ मिनिमल ओवरशूट इन द कलर बियॉन्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट वेयर द रिडक्टेंट एंड द ऑक्सीडेंट आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब आपका क्या करेंगे, आप इसका इक्विवेलेंस और इसका इक्विवेलेंस बराबर करेंगे, सिंपल। ठीक है, लॉजिक वही है, सेम वही होगा। ठीक है, द रिएक्शन फॉर द टाइट्रेशन ऑफ MnO4 अगेंस्ट Fe2+ आयंस। अभी देखो समझो, फेरस आयंस है, इसके पहले वाला जैसे आपने लिया फेरस सल्फेट है, फेरस आयंस आपका कोई भी सोर्स हो सकता है, फेरस का आयरन का कोई भी कंपाउंड आपका फेरस का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो द रिएक्शन, अभी आप देखिए ध्यान से यहां पे, तो ये तो होना ही था कि भाई साहब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने MnO4 को यूज किया हुआ है इसमें। ठीक है, अगर आपने MnO4 को यूज किया हुआ है तो एज पर बैन 153, ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज में कितना हो गया 5। ठीक है, सो द रिएक्शन फॉर द टाइट्रेशन ऑफ MnO4 अगेंस्ट Fe2+ आयंस, तो आपका 7 और ये 2 हुआ रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, MnO4 आ रहा है आपके KMnO4 से, तो KMnO4 से भाई साहब ये आ रहा है, हमने सेपरेट कर दिया, तो ये हो गया आपका K+, और इधर हो गया भाई साहब आपका MnO4-। ठीक है, MnO4- हो गया ये। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। ये हो गया आयरन Fe2+, जिसका बन रहा है Fe3+। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है भाई साहब ये। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आयरन का कितना हो गया, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे चेंज, तो ये हो गया +1 का। ठीक है, तो अभी आप देखो जैसे आपका यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। तो Fe2+ कंटेनिंग सोल्यूशन है ये फेरस सल्फेट का, इस पे अपन ने क्या ऐड किया है H2SO4, तो ये आपका इनिशियल लेवल है देखो। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका इनिशियल लेवल है H2SO4, इसमें ऐड किया हुआ है, यहाँ पे फेरस सल्फेट है। ठीक है, आपने इस पे भाई साहब ऐड किया हुआ है H2SO4, इसमें आप ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे हैं भाई साहब, तो आपने इसको क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया। ठीक है, ये आपका इनिशियल लेवल है किसका भाई साहब, पोटेशियम परमैंगनेट का, समझ में आ रहा है ये। FeSO4 में फेरस सल्फेट में आपने एसिड को ऐड किया है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें चेंज आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा, एसिडिफाइड हो जाएगा, और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना होता है +5, मतलब पहले से ही आप रेगुलेट कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट को कि तेरा भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज +5 ही होगा, ताकि आप कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, यह आपका क्या है भाई साहब, पोटेशियम परमैंगनेट इनिशियल लेवल है, अभी आपने स्टॉपर को खोला तो ये टप टप ऐसा गिरता रहेगा, तो आपका पिंक कलर आता रहेगा ये जो उसका कलर है, लेकिन एक टाइम के बाद ये भाई साहब आपको क्या मिलेगा, ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा, मतलब अभी आपका ये डीकलराइज चालू हो गया, समझ में आ रहा है, ये एकदम डीकलराइज हो गया है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली पिंक, अभी इसमें एक ड्रॉप और अगर आप डालेंगे तो फिर से डार्क पिंक हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट डीकलराइज हो चुका है, मतलब ये हो गया आपका भाई साहब क्या, एंड पॉइंट। ठीक है, पिंक कलर इंटेंसिफाइज ऑन गोइंग बियॉन्ड द एंड पॉइंट, तो बियॉन्ड, तो अभी आपने बंद कर दिया स्टॉपर को, अभी आप थोड़ा सा भी चालू करेंगे, एक ड्रॉप भी डालेंगे तो फिर से भाई साहब नया आपका पिंक कलर आएगा। ठीक है, सो टाइट्रेशन ऑफ Fe2+ सॉल्यूशन अगेंस्ट KMnO4 इन एन एसिडिक मीडियम, तो पोटेशियम पर मैग्नेट भाई साहब डीकलराइज हो जाएगा, इसका मतलब यहां तक जो भी आपने पोटेशियम पर मैग्नेट को यूज किया है आपका भाई साहब, लेट से 20 था, आप कहां पे आ गए भाई साहब, यहां पे 30 पे आ गए। ठीक है, तो आपका भाई साहब इतना 10 मिलीलीटर आपका खर्चा हुआ है पोटेशियम पर मैग्नेट, मतलब इस 10 मिलीलीटर पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या हो गया है, पूरा पूरा यूज हो गया है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंड पॉइंट, दैट्स हाउ यू बेसिकली मेक द कैलकुलेशन। ये जो अभी तक आपको सवाल मिल रहे थे टाइट्रेशन पे, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, और ये आपके प्रैक्टिकल्स में है। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स में, दोनों भी बोर्ड्स में ये प्रैक्टिकल्स में है टाइट्रेशन, आपको ये करना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से करना पड़ता है ये। ठीक है, मतलब एक ड्रॉप इधर उधर हो गया ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये बहुत ही धीरे से इसको छोड़ना पड़ेगा, एक ड्रॉप इधर उधर हो गया भाई साहब पूरा बर्बाद हो जाएगा। भाई आपके तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो आपको बने बनाए मिलते हैं, हमारे जमाने में जितने भी
केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, हमको ट्यूब भाई साहब बनाना पड़ता था। ठीक है, मतलब कैसा है, अभी जैसे समझ लो मेरे को अगर ऐसा कोई यू शेप्ड ट्यूब चाहिए, ठीक है, तो मेरे को ऐसा मिलेगा नहीं, आपके जमाने में तो मिल जाएगा। हमारे जमाने में भाई साहब एक ट्यूब मिला है, उसको थोड़ा सा हीट करो, थोड़ा सा हीट करो, हीट करते 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 ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ठीक है, तो आपका तो चलिए इसमें सहूलियत है। खैर, पिंक कलर इंटेंसिफाइज, और थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हीट करिए तो फट से फूट जाएगा, फूट गया तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स, कितनी बार आप प्रैक्टिकल रूम में गए हैं पूरे साल में? टेंथ में नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। और भाई साहब टेंथ में एक बार भी नहीं गया, जबकि प्रैक्टिकल्स होता रहा आपको, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स मिले आपको, है ना? कितने मार्क्स मिले प्रैक्टिकल्स में, कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। ओ, मुफ्त में भाई साहब 20 मार्क्स अंदर आ गए, है ना? ओके, पूरे साल भर में प्रैक्टिकल्स देखा ही नहीं और 20 मार्क्स आपके आ गए भाई साहब, यही चल रहा है। और क्या है, गवर्नमेंट भाई साहब बोल रहा है ले 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 ले, पास कर ले बेटा। ठीक है, तो क्या बोले हम, ये सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं ना भाई साहब। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल्स एक्चुअली बहुत जेनियस होते हैं भाई साहब। मैंने 10th तक बायोलॉजी पढ़ा है और उस 10th तक में ही हमसे मेढक कटवाया गया है। मेढक की अस्थि पंजर भाई साहब बाहर निकाल कर उसका डायग्राम बना, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था भाई साहब कॉकरोच को फिक्स करना। कॉकरोच को व्हाइट बोर्ड में फिक्स करना रहता था भाई साहब, इतनी पतली पतली टांगे हैं उसकी कि उसको पिन लगाकर फिक्स करना बहुत मुश्किल है। मर तो गया कॉकरोच, लेकिन उसको भाई साहब ऐसे उल्टा करके और ऐसे फिक्स करना रहता था। मैंने सिर्फ 10th तक बायोलॉजी पढ़ा है, मैं पीसी भी मैंने ले लिया था, मैंने पीसीएम लिया था, लेकिन ये सिचुएशन थी। ठीक है, मेढक भाई साहब 150 मेढक को बॉयल करके सबको बांट दिया गया है, अभी उसमें भाई साहब चीड़ फाड़ करो। ठीक है, रातों रात, हाँ हाँ, बॉयल कर, बड़ा टैंक होता था भाई साहब उसमें, हाँ, तो ऑब्वियसली मरेंगे, जिंदा मेढक में तुम एक्सपेरिमेंट करोगे भाई साहब? ओके, तो वो काटना पड़ता था हमको। ये सब सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये जो फोकट का 20 मार्क्स आपको मिल रहा है ना, वो नहीं मिलता था। प्रैक्टिकल्स में 20 में से किसी को 5 मिल गया ना भाई साहब, उसको कंधे पे उठाकर घुमाओ पूरे कॉलेज में, सेलिब्रेट करो भाई साहब। 6-7 मिल गया, बहुत, बाप रे भाई साहब, तुर्रम खान है कोई वो। आज की तारीख में भाई साहब बिना प्रैक्टिकल रूम में जाए हुए आपको 20 में से 20 मिल रहा है। इट्स अ वेरी सॉरी एंड सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, इसीलिए आप साइंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, प्रॉब्लम यही है। आप साइंस में देखो, 10th तक ना तुम्हारा जो साइंस में एस्पेक्ट रहता है वो वंडर का एस्पेक्ट रहता है। ठीक है, मतलब वो तारे चमक रहे हैं, अच्छा जी सूरज चमक रहा है, ठीक है, ओ एटमोसफियर है, अच्छा भाई साहब ये होता है वो, तो थोड़ा सा वंडर एस्पेक्ट है। 11th और 12th में तुम्हारा साइंस पूरा चेंज हो जाता है, बड़ा खतरनाक और क्रूयल एस्पेक्ट ले लेता है, कैलकुलेशन ये वो। तो साइंस में जो वंडर एस्पेक्ट है उसको तो आपने एक्सप्लोर किया ही नहीं, और आपके कॉलेज वालों ने भी नहीं करवाया है। साइंस में जो वंडर एस्पेक्ट है भाई साहब आपका, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको देखना, इनको समझना, ये सब आपके वंडर एस्पेक्ट्स हैं, जो आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट एलिमिनेट, पास होने के चक्कर में आपका वो पूरा पूरा स्क्रैप ही हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान है ये, बहुत बड़ा आइडियली नुकसान है। और ये सिर्फ आपके स्कूल का नहीं, लगभग सारे स्कूल्स में यही सिचुएशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मतलब जो स्कूल था, यहाँ पे आपका केमिस्ट्री लैब था और यहाँ पे भाई साहब हम बैठते थे, इतनी बदबू आती थी भाई साहब कि मतलब हमारा यहाँ पे क्लास था, मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था, हम लोग कोसते थे, अरे यार ये फिर घुस गया भाई साहब, मतलब वो ऑलमोस्ट हर रोज चालू रहता था। तो ऑब्वियसली गैसेस निकल रहे हैं, बदबू आई ही, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेस आपके निकल ही रहे, मतलब कम से कम, हाँ बदबू आ रही है ये गलत बात है, मतलब ठीक है, लेकिन कम से कम वहां पे एक्टिविटी चल रही है, ये अच्छी बात थी। आपको कभी बदबू आई है केमिस्ट्री लैब से अपने? नहीं ना, तो मतलब होता ही नहीं है, वो नाम का है वो। हम भाई साहब केमिस्ट्री लैब के ना आजू बाजू जितने भी क्लास होते थे, हम ऐसा बोलते थे, अरे तेरा सेक्शन किधर पढ़ा रहे? अरे भाई साहब वो केमिस्ट्री लैब, अरे यार तू तो गया, ऐसा ही है, अब तेरे को साल भर वो बदबू झेलना है। मतलब ये हम एक दूसरे को कोसते थे, यार ये अगर तुम्हारा केमिस्ट्री लैब के आजू बाजू तुम्हारा क्लास मिल गया तो गए तुम, बहुत दुर्भाग्य है तुम्हारा। लेकिन एक चीज अच्छी है कि इसका मतलब हमारा 7 दिन या 6 दिन जो भी रहता था उसमें केमिस्ट्री के एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको फोकट के मार्क्स मिल रहे हैं 20 मार्क्स ना। स्कूल वालों को पढ़िए, स्कूल वालों को भी मालूम है कि आपको ये 20 मार्क्स उनको देने ही, गवर्नमेंट को भी मालूम है और आपको भी मालूम है, तो मिली जुली भगत है भाई साहब, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो बहुत बड़ा एक चीज किल हो जाता है वो है वंडर एस्पेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली साइंस का जो चार्म है या वंडर एस्पेक्ट है वो सिर्फ आप 10th तक ही एंजॉय कर पाएंगे, और ये अगर स्ट्रांगली बिल्ट होता है तभी जाकर आप 11th में उसको कैलकुलेटिव नेचर में आप घुसते हैं।
प्रॉब्लम यह कि ये बिल्ट नहीं हो पा रहा है, इस रवैये से ये बिल्ट नहीं हो पा रहा है, वंडर एस्पेक्ट बिल्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत ही नॉमिनल वंडर एस्पेक्ट आपका बिल्ट होता है। फिर जाके भाई साहब है ना, आप समझ लीजिए दो कपल शादी कर रहे हैं भाई साहब, उनमें प्रेम ही नहीं है, तो क्या कितने दिन चलेगा भाई साहब, कितने दिन चलेगा, आप समझ रहे हैं इस बात को, भाई साहब कनेक्शन ही नहीं हो पाया ना एक दूसरे के प्रति, कोई आपका लव या कोई भाई साहब रिलेशनशिप है ही नहीं, तो कितना ही दिन खींचकर चला लोगे तुम उसे, क्योंकि इसके बाद तो दुनियादारी संभाल ली है, कल को बच्चे होंगे भाई साहब, उनका खर्चा, फैमिली को चलाने का खर्चा, टेंशन ही टेंशन है भाई साहब, जैसे आपका 11 12 है भाई साहब, साइंस का कुछ बचा ही नहीं अभी तो, इसमें कैलकुलेटिव एस्पेक्ट ही है, तो दिस इज द रीजन। ठीक है, दूसरा रीजन तो भाई साहब ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत बुरी तरीके से मर चुका है, बहुत बुरी तरीके से मर चुका है, क्योंकि आप देखो क्या चलता है ऑनलाइन मीडियम में, क्या चलता है आपका, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, यूट्यूब हो जाए, क्या चलता है, रील्स, क्यों चलते हैं रील्स, टक 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 भाई साहब चल रहा है भाई साहब, क्योंकि आपके पास भाई साहब स्पैन नहीं है, आपका स्पैन ऑफ अटेंशन जो है 1 मिनट से ज्यादा नहीं है, अगर कोई रील्स में 1 मिनट से ज्यादा पका रहा है तो आप चलो हटो भाई साहब। दूसरा, ठीक है, ये आपका अटेंशन स्पैन, आपको ये नहीं, चलो ये मेरे को समझ में आता है, ये सबको समझ में आता है कि आप अगर बेफिजूल टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब में दे रहे होंगे तो वो आपका लॉस है, लेकिन इसमें भी सिलेक्शन है, इसमें भी आप देखिए क्या मेजर लॉस है आपका, कि आपका ये जो आपकी आदत है ये रील्स पे जाने की, या इससे आपका अटेंशन स्पैन बहुत बुरी तरह से मर रहा है, और वही चीज जब आप क्लास में आते हैं तो 1 1.5 घंटे का क्लास चल रहा है भाई साहब, कहाँ से आप अटेंशन जुगाड़ कर पाएंगे, वो उसको तो आपने मार ही दिया ना वहां पे, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप नहीं है, इसके जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, द एंटायर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपका अटेंशन लेवल धीरे धीरे मरता जा रहा है, और शायद अगले जनरेशन में अटेंशन लेवल बोल के कोई बात ही नहीं होगी, मे बी। ठीक है, हम भाई साहब आज की तारीख में चॉक एंड बोर्ड या ये मार्कर से ये अभी लुप्त प्राय होता जाएगा। ठीक है, अभी आपका शायद बीएफएक्स भाई साहब ऐसे निकाल के भाई साहब आप शायद स्टडी कर रहे हो, शायद ऐसा भी समय आ जाए, आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मतलब ये सही तो है, लेकिन एक दूसरे एंगल में अगर आप देखोगे तो ये आपका अटेंशन लेवल जो बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है उसको ऊपर निकालने का या उसको ऊपर लाने का एक प्रयास है, ये सारा जो आप एआई के नाम पे थोप रहे हैं या भाई साहब जो भी कर रहे हैं, तो ये आपका, हमको मालूम है कि अटेंशन लेवल पंचर हो चुका है, अभी इसको कैसे ही ऊपर लाया जाए, थोड़ा बहुत भाई साहब वीडियो दिखाकर, थोड़ा भाई साहब कुछ इंटरेस्टिंग दिखाकर, क्योंकि वंडर एस्पेक्ट तो आपने कल्चर होने ही नहीं दिया, जो नेचुरल था वंडर एस्पेक्ट का, जो एक 9th और 10th में प्रॉपर इतने सारे आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी गाइडलाइंस के हिसाब से जितने एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए थे उसका तो स्कूल वालों ने कचूमर या कद्दू बना दिया, तो आपका वंडर एस्पेक्ट तो वहां पे नेचुरली डेवलप ही नहीं हो पाया, तो कैसे आप साइंस के साथ कनेक्ट करेंगे, ये कुछ वीडियो दिखा के, ये कुछ भाई साहब आपका वीएफएक्स, आपका भाई साहब आजकल आ रहा है ओ मतलब ये वीएफएक्स लेकर आओ भाई साहब, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, क्यों हो रहा है, ये बुरा ही नहीं है, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट ऑब्वियसली आपका योर अटेंशन लेवल हैज गॉन डाउन द ड्रेन, एंड वी ऑल आर सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट्स नॉट योर जनरेशन फेलियर, इट्स अ फेलियर फॉर द एंटायर सिस्टम, ये सब आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एक्चुअली होने चाहिए, जो एक्चुअली होने चाहिए। भाई साहब मैं तो स्टेट बोर्ड की फीस की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले साल जो सीबीएसई के बैच थे तो उसमें से कुछ लोग थे जो बड़े बड़े स्कूलों में थे, मैंने उनसे भाई साहब फीस पूछा तो 1,20,000 1,30,000 एक साल का फीस है, और उन्होंने, मैंने पूछा भाई साहब टाइटेशन का एक्सपेरिमेंट किया है, नहीं सर ये क्या होता है, नहीं मालूम भाई साहब काहे का फीस चूस रहे हैं पता नहीं स्कूल वाले, और आई एम नॉट कंडेमिंग एनी स्कूल, बट जब उनको मालूम है कि ये 20 मार्क्स तो मुझे ऐसे ही झक मार के इसको देने ही हैं, तो काहे का हम भाई साहब एक्सपेरिमेंट करवाएं, व्हाट इज द नीड फॉर डूइंग दिस, लॉजिकल रीजन ही है। ठीक है, खैर ओके, टाइट्रेशन यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको भाई साहब लिख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 का हमेशा Cr3+ ही होगा, ये डेफिनेट है। ठीक है, इसमें भाई साहब कोई बैन 153 नहीं होने वाला, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है, ले रहे भाई साहब ओके। So, आप बताइए यहाँ पे Cr2O7, ये आपका K2Cr2O7 से आया है, इसमें भाई साहब आपका कितना हो जाएगा +6,
और ये हमेशा यही बनाएगा Cr3+। ठीक है, आप यहां पे बोल सकते हैं कि भाई साहब इस रिएक्शन में अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वॉट K2Cr2O7। इसमें भाई साहब सेपरेशन लाओगे तो ये हो जाएगा K2+ हो गया, ये हो जाएगा Cr2O7 और ये हो गया आपका 2-। समझ में आता हूं? ठीक है, ये जो आपका Cr2O7 2- आ गया भाई साहब, ठीक है, इसी को आप यहां पे लिख रहे हो, इसका क्या बनेगा? तो इसको लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, इससे ही मतलब है अपने को। ये क्या बनाएगा? Cr3+। ठीक है, कर लो भाई साहब इसको, यहां पे कितना है देखो, ये हो गया आपका x, तो ये हो गया आपका 2x+7 × −2 = 0। ठीक है, 2x+7 × −2 तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x, क्या भाई साहब इतना लेटेंसी क्यों आ रही है, −14 = 0। ठीक है, −14 = 0, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका +14/2 = +7। ठीक है, यहां पे कितनी वैल्यू है, ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वही वैल्यू, तो 7 से 3 मतलब आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इज 5। क्या ये समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना हो जाएगा, 5 भाई साहब। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है भाई साहब, अरे हाँ ये -1 था ना, सॉरी, ये आपका Cr2O7 2 - है, ठीक है, सो दिस विल बी -2, आई एम सो सॉरी, ये हो गया -2 + 14, तो ये हो गया आपका +12 upon 2, दैट विल बी +6। ठीक है, ये हो गया आपका +6, तो ये हो गया +6, ये हो गया आपका +3, तो आपका भाई साहब कितना चेंज हुआ है, +3 का चेंज हुआ है। ठीक है, क्लियर है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा बोलो, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज हाउ मच 2, एंड मल्टीप्लाइड बाई दी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, दैट इज 3, तो 2 × 3 आपका 6 हो जाएगा एन फैक्टर। ठीक है, क्लियर है, ओके, तो ये भाई साहब आपका कोई चेंज नहीं हो, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में आपका बेसिक में कुछ, एसिडिक में कुछ और न्यूट्रल मीडियम में कुछ, ऐसा पोटेशियम डाइक्रोमेट में नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, इट इज अ रिलेटिवली वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू KMnO4, तो KMnO4 के कंपेयर में ये रिलेटिवली वीकर है। हाउएवर अनलाइक पोटेशियम परमैंगनेट इट डज नॉट एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर, पोटेशियम परमैंगनेट भाई साहब खुद का कलर होता है पर्पल, ठीक है, इसमें इसका खुद का कलर नहीं है, इसलिए सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, इसलिए आपको भाई साहब बाहर से इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा, मिथाइल ऑरेंज और लेट्स से फिनोलेफ्थलीन। ठीक है, बिकॉज नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज अकर्स इन इट्स टाइट्रेशंस, इन दीज टाइट्रेशंस इंडिकेटर्स सच एज डाइफिनाइलमाइन और पोटेशियम फेरोसाइनाइट आर कॉमनली यूज। ठीक है, ये फेरिक साइनाइट है, फेरोसाइनाइट मतलब थोड़ा सा लगाएंगे तो एकदम राम नाम सत्य हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसकी बात करते हैं। ठीक है, बहुत हाईली पर्सनल चीज होती है। ठीक है, जनरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं, अगर पकड़े गए तो भाई साहब थोड़ा ये लॉकेट में होता है उनके पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो अगर समझ लो पकड़े गए तो ये लॉकेट तोड़ो और भाई साहब थोड़ा सा भी अगर मुंह में डाल लिया तो खत्म। ठीक है, ऑन स्पॉट, अगर आप गोली नहीं चला पा रहे हैं अपने ऊपर तो इतना कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहां पे आपका रिड्यूस टू Cr3+ विद अ कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू नियॉन ग्रीन, बट दिस कलर चेंज इज नॉट डिस्टिंक्ट, सो एन एक्सटर्नल इंडिकेटर डाइफिनाइलमाइन इज यूज्ड, पोटेशियम डाइक्रोमाइट ऑक्सीडाइजेस द डाइफिनाइलमाइन इंडिकेटर टू गिव एन इंटेंस ब्लू वायलेट कलरेशन जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट्स इंडिकेटिंग द एंड पॉइंट। थ्योरी की बातें हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 100 mg ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, तो भाई साहब पहली बात तो क्या है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, एसिडिक सोल्यूशन है, मतलब बैंड 153 के हिसाब से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना हो गया, 5। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.1 m है, आपको वॉल्यूम नहीं मालूम। ठीक है, वॉल्यूम नहीं मालूम, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट एन इंटू एन फैक्टर, तो n इंटू एन फैक्टर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, देखो इसको ऐसे कर लो भाई साहब, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ना। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m KMnO4, अरे यार
तो यहां पे देख लेते हैं भाई साहब इसको अपन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1, ये हो गया आपका 0.1 एम के एम एन ओ फोर है, ठीक है, क्या रहा है आपका फेरस ऑक्सलेट एफ ई सी टू ओ फोर, ठीक है, ये 100 भाई साहब क्या है, मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिलीग्राम क्यों दे दिया है भाई साहब, चलो देखते हैं यहां पे देखो आपका 0.1, अरे क्या, ठीक है, तो आपका एसिडिक है, तो एसिडिक के हिसाब से भाई साहब क्या हो जाएगा, बैन 153 के हिसाब से भाई साहब एसिडिक में कितना चेंज है, 5, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इसका कितना हो जाएगा, प्लस 5, समझ में आ रहा है, तो आपका इक्वलेंट इक्वलेंट ऑफ के एम एन ओ फोर ये भाई साहब कितना हो जाएगा, के एम एन ओ फोर का इक्वलेंट हो जाएगा एन इंटू एन फैक्टर, ठीक है, n की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी है, n इंटू एन फैक्टर दैट इज 5, ठीक है, n मतलब कितना हो जाएगा, मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मोलैरिटी अपॉन सॉरी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ना भाई साहब, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और अगर आपका भाई साहब यू नो मिलीलीटर में है तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे इसको, है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000, ओके, मोलैरिटी कितनी है भाई साहब यहां पे 0.1, ठीक है, वॉल्यूम का आता पता नहीं है, ठीक है, ये मिलीलीटर में है लेकिन वॉल्यूम, ये आपका हो गया भाई साहब 1000 इंटू ये हो गया आपका 5, ठीक है, ये हो गया इक्वलेंट ऑफ के एम एन ओ फोर, ठीक है, इसमें आते हैं, अभी देखो आपने उस दिन देखा कि ये जो है एफ ई सी टू ओ फोर, ठीक है, इसका भाई साहब क्या होगा, एफ ई सी टू ओ फोर, तो आयरन का क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली यहां पे आयरन क्या है, एफ ई टू प्लस है, इसका बनेगा एफ ई थ्री प्लस, लेकिन सी टू ओ फोर का भाई साहब क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है, CO2, तो मतलब यहां पे एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहां पे आपका अगर मैंने Fe का Fe है भाई साहब, यहां पे C2 है और ये O4 है, इसका अगर आपने प्लस 2 पकड़ा, इसका माइनस 2 पकड़ा और इसका X, तो ये हो गया आपका कितना, 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे 2x यहां पे हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 6, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 बाय 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 3, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, प्लस 3, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, x की वैल्यू हो गई प्लस 3, ठीक है, कार्बन की यहां पे CO2 अगर बन रहा है तो इसका कितना होगा, लेट्स से हमने x माना यहां पे 2, तो x प्लस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 4, तो भाई साहब अगर आप देखोगे यहां पे प्लस 2 से प्लस 3 बन रहा है, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का भी प्लस 3 से प्लस 4 बन रहा है, यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपका इस तरीके के रिएक्शन में हम टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट या टोटल n फैक्टर क्या हो जाएगा, बोलो, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन 1 प्लस n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन 2, ठीक है, n फैक्टर होता है नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे कितने भाई साहब 1 into, मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं 3 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आयरन का, ठीक है, यहां पे भाई साहब कार्बन के कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको, 2 2, ठीक है, और भाई साहब n फैक्टर क्या हो जाएगा, अगेन 4 माइनस 3, तो ये हो गया 4 माइनस 3, सो दिस विल बी हाउ मच, 1 into 1 प्लस 2 into 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है, 3 है, ओके, सो दिस इज द टोटल एन फैक्टर, आपका ये एन फैक्टर हो गया, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, चलिए भाई साहब, तो अब हम इसका एन फैक्टर लेते हैं, तो इसका एन फैक्टर आपका कितना आ गया भाई साहब, 3, क्लियर है, 3 का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ओके, अभी यहां पे दिया हुआ है 100 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीलीटर में नहीं दिया हुआ है, 100 मिलीग्राम भाई साहब, अभी इसको कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब, तो इसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा, इक्वलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन डैश इंटू लेट से एन एफ डैश, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ध्यान दो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, याद करो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोलैरिटी वोलैरिटी सब छोड़कर याद करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, मास कितना दिया हुआ है यहां पे 100 मिलीग्राम दिया हुआ है, मिलीग्राम मतलब आप इसको लिख सकते हो 100 इंटू 10 रेस टू
-3 ग्राम्स, और एक मोलर मास का कितना हो जाएगा भाई साहब 1 ग्राम? तो मतलब यहां पे देखो Fe का वैल्यू है 56, कार्बन का वैल्यू है 12 और ऑक्सीजन का वैल्यू है भाई साहब 16। तो कर लो भाई साहब यहां पे Fe मतलब 1, Fe C2O4 है, तो 1 × 56 प्लस 2 × 12 प्लस 4 × 16, ये हो गया आपका 56 प्लस 24 प्लस 64, 4 + 4 = 8, 8 + 6 = 14, 5 + 1 = 6, 7 = 8, 8 + 6 = 14, ये हो गया आपका 144, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी 144, ये हो गया आपका इक्वलेंस, ठीक है? ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 144, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स हो गया ये भाई साहब, ठीक है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, तो आपका ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे, दिस विल बी इक्वलेंस ऑफ KMnO4, ठीक है? इक्वलेंस ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ FeC2O4। इक्वलेंस ऑफ KMnO4 कितना होगा, दैट विल बी हाउ मच, 0.1 इंटू इसका जो भी वॉल्यूम है इंटू 5 अपॉन, ये क्या हो गया बोलो, 1000 इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो गया बोलो, 0.1 अपॉन 144, ठीक है? 0.1 अपॉन, अरे सॉरी, एन फैक्टर कितना है भाई साहब इसका, एन फैक्टर कितना है भाई साहब 3 ना, एन एफ डैश का वैल्यू है भाई साहब 3, ठीक है? 4 = 12, ये आंसर होगा भाई साहब 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, ठीक है? तो आपका भाई साहब V का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0.1 और 0.1 कैंसिल हो गया, V का वैल्यू आ जाएगा भाई साहब इधर आ गया 1000 अपॉन भाई साहब यहां पे आ जाएगा 5 और ये है 48, 5 × 48, तो इसको कैंसिल कीजिए भाई साहब, 4 × 25 = 100, 0 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 4 नहीं ये नहीं जाएगा भाई साहब, 2 × 6 = 12, 2 × 12 = 24, ये हो गया 125, है ना, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 25, तो 25/6 दैट विल बी इक्वल टू 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 4, 6 × 1 = 6, 6 = 36, नहीं कितना आ रहा है भाई साहब, 25/6, 4.1 और 4.6 आ रहा है, 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 1, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 4.1 ही लिया क्या, क्या देखना पड़ेगा भाई साहब, टर 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 टर, दोनों भी हो सकता है, ओके 4.1 ही रखा है इन्होंने, देखो यहाँ पे वही है 100 × ये 3 / 144, 0.1 × 5, तो आपका V आ गया एक्चुअली 4.2 हो जाएगा, क्योंकि 6 अगर आप एडजस्ट करेंगे तो ये 4.2 हो जाएगा, लेकिन 4.2 का फिलहाल वहां पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ये कौन सा कंपाउंड है जो डीकलराइज नहीं करेगा, ऐसा कंपाउंड जिसका क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? देखो FeCl3 है, FeCl3 ध्यान से देखो इस, अच्छा चलो इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है, पोटेशियम परमैग्नेट भाई साहब एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड ध्यान दीजिए यहां पे, पोटेशियम परमैग्नेट एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड मतलब भाई साहब क्या हो जाए, यार ये हो गया, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? और अगर भाई साहब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे आपका FeCl3 को लेते हैं, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई साहब, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट इज एक्टिंग एज व्हाट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, अगर इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाली पार्टी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहां पे देखते हैं FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, Fe3+ है ऑलरेडी, क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, नहीं भाई साहब, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है? इसमें आते हैं FeSO4, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और ऑक्सीडाइज तभी होगा जब आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक नहीं पहुंचे हैं, आपका आयरन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe2+ और Fe3+, जब तक आप Fe2+ में है आपके पास स्कोप है Fe3+ तक जाने का,
मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन का, लेकिन अगर आप Fe3+ में ही है तो फर्दर ऑक्सीडेशन का कोई स्कोप नहीं है, आपका रिडक्शन हो सकता है। तो यहां पे भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या ये समझ में आ रहा है? चलिए इसमें आते हैं FeSO4। FeSO4 मतलब क्या हो जाएगा, इसका 2 और इसका 2, तो यहां पे क्या है Fe2+, क्या इसका ऑक्सीडेशन का स्कोप है? बिल्कुल है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। Fe2CO4, अभी अभी आपने देखा भाई साहब कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फेरस ऑक्सलेट है, +3 है भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें तो भाई साहब ऑक्सीडेशन होगा आयरन का भी और कार्बन का भी, ठीक है, दोनों का भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहां पे जो आयरन है वो Fe2+ है और वो चेंज होगा Fe3+ में, और यहां पे जो ऑक्सलेट आयन है, जो ये कार्बन है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज इनटू व्हाट, इट इज गोइंग टू चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे भाई साहब इसका कितना आया था +3, यहां पे भाई साहब कितना आया था +4, तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब क्या पोटेशियम परमैंगनेट यूज होगा भाई साहब, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, तो यहां पे भी यूज होगा भाई साहब, ठीक है। H2O2 देते हैं, ठीक है, H2O2 का भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O? यस डेफिनेटली, जहां पे भाई साहब इसका कितना हो जाएगा -2, ठीक है। सो इज देयर अ ऑक्सीडेशन दैट इज हैपनिंग, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब? हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहां पे ऑक्सीडेशन होने की संभावना किस किस की है? इन तीनों की है भाई साहब, इसकी नहीं है, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिस इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टिपिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स और विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन्स। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, एफ इज ये भाई साहब +3 ऑक्सीडेशन, सो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन टॉपिक किन किन चीजों में होता है भाई साहब? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोग्राफिक फिल्म्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स एंड ब्रीट एनालाइजर टेस्ट। हमने देखा भाई साहब ब्रीट एनालाइजर टेस्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आप विस्तारित रूप से बेसिकली 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ जिंक रॉड इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? अगर आपने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा, आफ्टर सम टाइम ये पूरा क्रम्बल हो जाएगा भाई साहब। क्यों? कॉपर सल्फेट कोई एसिडिक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे भाई साहब पूरा जिंक सोल्यूशन में चला जाएगा और यहां पे कॉपर आ जाएगा, ठीक है। सो जिंक रॉड इलस्ट्रेशन, तो यहां पे भाई साहब जिंक अंडरगोस ऑक्सीडेशन, तो आपका भाई साहब Zn था 0 और यहां पे क्या हो जाएगा Zn+2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब। CuSO4 था यहां पे +2 था, यहां पे क्या हो गया 0, मतलब CuSO4 का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, हाउ डू वी नो दैट जिंक रॉक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ये आप बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप बेसिकली पढ़ते हैं कि क्या क्या आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अ लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे आयरन है, ठीक है, और ये सब आपके भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग इंक्रीजिंग, ये आप बाद में पढ़ेंगे, यू आर नॉट एबल, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एज फॉर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भाई साहब, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड। आपका भाई साहब इलेक्ट्रोड को हम डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अ डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन इट और यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या हो जाएंगे आपके? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, थियरी पार्ट है भाई साहब, ठीक है। ओके, गैल्वेनिक सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पे जी दैट ये इसको अपन गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जी इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जी इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम एंड गिब्स एनर्जी चेंज इज प्लस पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसको सिर्फ लिख लीजिए भाई साहब, ये आपका गिब्स एनर्जी है, इसके बारे में विस्तारित रूप से आप दूसरे मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आपका भाई साहब ये गिव्स एनर्जी हो गया। गैल्वेनिक सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गैल्वेनिक सेल इस टाइप का, देखो सॉल्ट ब्रिज होता है, इन सब के जो आपके यू नो यूजेस हैं यू विल अंडरस्टैंड इन हायर क्लासेस। अभी तो फिलहाल इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ द गैल्वेनिक सेल वुड लुक लाइक। ठीक है, तो आपका यहां पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+, और ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा। कॉपर भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर बनाएगा। ठीक है, तो आपका लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है, मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड का भाई साहब नेगेटिव होगा, ये आपका एनोड हो गया देखो नेगेटिव में। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज होता है भाई साहब, फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, इट कंप्लीट्स द सर्किट रिप्रेजेंटेशन। ये आपके कोर्स में नहीं है यार, ये सब क्यों है भाई साहब, नॉट समथिंग विच इज देयर इन योर कोर्स एज ऑफ नाउ। ये आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे एक्चुअली। ओके, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, लेट सी दिस। ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, पैदा हुए थे और घर भी नहीं पहुंच पाए, मतलब हॉस्पिटल तभी पढ़ लिया था आपने। 6CO2 + 6H2O, ये क्या बना रहा है, C6H12O6 + 6O2, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है भाई साहब। CO2 में आपने देखा अभी अभी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, C6H कैसे जीरो, जीरो लिखा है जीरो, इसलिए तो यहां पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा। देखो बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला है, जीरो है, जीरो है, तो दिख रहा है ना जीरो है रख के। तो यहां पे आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 6X। ठीक है, प्लस भाई साहब यहां पे 12 × 1 है ना, यहां पे क्या है +1 है भाई साहब और इसका -2 है, +6 × -2 = 0। ठीक है, ले रहे, तो यहां पे हो गया इसका अलग से x माना हमने, तो 6X + 12 − 12 = 0, तो 6X ये तो भाई साहब 0 हो गया, = 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज 0, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो यहां पे 4 से 0 हो गया, मतलब क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया, और यहां पे H2O का कितना है, -2 है भाई साहब, -2 होगा H2O में, और यहां पे O2 सिंगल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 होगा, तो -2 से भाई साहब क्या हो रहा है 0, मतलब इसका ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है भाई साहब रिडक्शन। तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, आप भाई साहब देखो द सर्फेस ऑफ मेनी मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय कनेक्टिंग देम टू अ मेटल विद लेसर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स अमॉन्ग द टू मेटल्स मींस दैट द मेटल विद लेसर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये कनेक्शन होता है जिससे आप कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, अपना इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोड का जितना भी आपका मामला था इसमें, उसको आप स्किप कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एज ऑफ नाउ दिस मेन जो आपका इस चैप्टर में था वो कवर हो चुका है, थोड़े बहुत एडिशनल कॉन्सेप्ट्स और हम करेंगे। ठीक है, एंड विल क्लोज ऑन द चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।